हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। अब तक हम फ्रेजल वर्ब में कैरी से बनी फ्रेजल वर्ब और ब्रेक से बनी फ्रेजल वर्ब पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है, आज हमने फ्रेजल वर्ब के लिए वर्ब लिए ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स बताओ। अब इससे बनी हुई पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट मीन्स ब्रिंग डाउन मीन्स ब्रिंग आउट मीन्स ब्रिंग इन मीन्स ब्रिंग अप मीन्स ब्रिंग फोर्थ मीन्स। इतने जो ब्रिंग अप तक तो हम सेंटेंस में यूज कर चुके थे, है ना। अब इधर देखो, ही ब्रिंग्स फोर्थ मिल्क प्रोडक्ट, वह दूध के उत्पाद उत्पन्न करता है। हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता उत्पन्न करता है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब बताओ। अरे बोलो, सेंटेंस में यू देखो, द सजेशंस ब्रॉट फॉरवर्ड बाई हिम वर रिजेक्टेड। जितने भी सुझाव उसके द्वारा जानकारी में लाए गए सबको क्या कर दिया, रिजेक्ट का मतलब बताओ, निरस्त कर दिया। खत्म नहीं करना होता है, निरस्त करना होता है। अब देखो, सातवीं के बाद आठवीं किधर गई अपनी, ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब बताओ, ब्रिंग राउंड का मतलब है विचार परिवर्तित करना या चंगा करना, स्वस्थ करना। सेंटेंस में यूज देखो, ही फाइनली ब्रॉट हिज फादर राउंड टू हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। उसने अंततः अपने पिताजी को अपने विचारों के अनुसार परिवर्तित कर दिया। मतलब अपने फादर के जो विचार थे उसने उसका पॉइंट ऑफ व्यू बताया, फिर उसके फादर के विचारों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, चेंज ऑफ क्लाइमेट मे ब्रिंग हर राउंड, है ना। जलवायु का परिवर्तन उसे स्वस्थ कर सकता है। किसी को कोई बीमारी अगर क्लाइमेट चेंज करते हैं तो ये संभावना होती है कि वो स्वस्थ हो जाएगा। उसी का यूज हुआ है यहाँ पे। ब्रिंग ऑन का मतलब बताओ, जैसे सेंटेंस में यूज है, डर्ट ऑन ब्रिंग्स ऑन डिजीज, धूल से अक्सर बीमारियां पैदा होती है। कौन सा टेंस है इसमें, डर्ट ऑन ब्रिंग्स ऑन डिजीज। कौन सा टेंस बताया मैंने अभी अभी, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब देखो नेक्स्ट दसवां, देखो ब्रिंग ओवर मीन्स बताओ, जैसे सेंटेंस में यूज है, दे ब्रॉट हिम ओवर टू द साइड ऑफ गवर्नमेंट, वो उसे सरकार के पक्ष में लेकर आए। लास्ट है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब बताओ, द रिवेल्स वर क्विकली ब्रॉट अंडर, विद्रोहों को, झगड़ों को, दंगों को जल्दी से दमन कर दिया गया, नियंत्रित कर लिया गया, दबा दिया गया। इस तरह से ब्रिंग की सारी फ्रेजल वर्ब है। एक बार रिपीट करो जल्दी जल्दी से, ब्रिंग अबाउट मीन्स, सब बोलो, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट मीन्स, ब्रिंग डाउन मीन्स, ब्रिंग आउट मीन्स, ब्रिंग इन मीन्स, ब्रिंग अप मीन्स, ब्रिंग फोर्थ मीन्स, ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स, और इधर देखो, ब्रिंग राउंड मीन्स, ब्रिंग ऑन मीन्स, और नेक्स्ट 10 नंबर ब्रिंग ओवर मीन्स, और ब्रिंग अंडर मीन्स। इस तरह से आज बोल रहे हो, कल लर्न करके लानी है बाय हार्ट, है ना, बिल्कुल कंठस्थ करके। इसका कोई शॉर्टकट्स नहीं है, स्पेलिंग्स याद करनी होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।